भाई लोगों, आज का वीडियो डिस्कवर 135 सीसी पर। आज मैं इसमें जो मीटर है इसका गेज मीटर चेंज कर रहा हूँ। तो इसका क्या इशू था कि ये बार ऊपर नीचे शो हो रहा था, तो मैं आज इसको चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने टंकी खोल ली है पूरी टोटल तरीके से। अभी मैंने एक ये भी चेंज किया है, इसके अंदर जंग लग गया था, इस वजह से मैंने इसको चेंज किया है। 120 रुपये का ये मुझे पड़ा। बाकी आपको इसको भी बताता हूँ कैसे चेंज करना है। आपको इसके दो नट हैं, एक ये और देखिए 10 नंबर का नट है, दोनों नट खोल लेने हैं। और ये मैं पुराना इसमें से निकला हुआ है जो दिखाता हूँ, ये पुराना है, ये बिल्कुल जंग की वजह से ख़राब हो गया था। अब गेज मीटर जो आपका है तो ये पुराना लगा हुआ है, इसके अंदर पुराना मैं हटा रहा हूँ और अब मैं आपको नया दिखाता हूँ। वो मुझे पड़ा है ये बजाज का ओरिजिनल है, इसकी रेट लिखी हुई है इस पर 174, जो मुझे पड़ा है 170 का, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में सारा सामान महंगा नहीं आ रहा है। इतने बड़े डिब्बे में बस ये अकेला ही आएगा। ये नया मीटर है, इस टाइप का कुछ मीटर आएगा। जब भी टंकी फुल होती है या फिर कम ज़्यादा होता है तो ये ऊपर उठ जाता है, तभी शो करता है। तो आज का वीडियो बस इसी पर था, ये चेंज करने के ऊपर। तो आपको जो कि 1 2 3 4 ये चारों नट खोल लेने हैं और इसको बाहर निकालना है और चेंज कर लेना है। जब भी आपका मीटर वर्क नहीं करता है, अगर बिल्कुल नहीं उठ रहा है, तो ये जो पिन है, जो गाड़ी में सॉकेट वायर होगा इसमें नीचे इधर पिन होगा, तो उस पिन को डायरेक्ट करोगे तो आपका मीटर अगर काम कर रहा है तो यानी कि मीटर आपका सही है, तो आपका ये ख़राब हो चुका है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।